घर बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वह सीमेंट ही होता है। सीमेंट के बगैर घर बनाना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में घर बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी मिट्टी का इस्तेमाल कहीं कहीं पर किया जाता है, लेकिन आज के समय में ज्यादातर सीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सीमेंट सबसे मजबूत सामग्री है। घर बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ ईंटों को और कंक्रीट को मजबूती देने के लिए किया जाता है। अगर सीमेंट को पानी के साथ मिलाया जाए तो वह कुछ समय के लिए उपयोगी रहेगा, उसके बाद वह जमकर मजबूत हो जाएगा। और अगर आप कंक्रीट और इंटर के साथ सीमेंट को लगा देते हैं तो वह उन्हें मजबूत बना देता है। सीमेंट का असली नाम पोर्टल सीमेंट है और पोर्टल कोई ब्रांड या कोई कंपनी का नाम नहीं है। यह सिर्फ पोर्टलैंड की भाषा में इसे पोर्टल सीमेंट कहा जाता है। तो आज हम सीमेंट के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीमेंट का इतिहास बहुत पुराना है क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं ने भवन निर्माण में पहले से ही ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जहाजों के नुकसान को रोकने के लिए चट्टानों पर लाइट हाउस बनाने की जरूरत थी, उस समय सीमेंट का इस्तेमाल उजागर हुआ। सबसे पहले सन 1824 में यूसुफ असपदीन ने पोर्टलैंड सीमेंट को पेटेंट करवाया। उन्होंने इसे मिट्टी, चूना, पत्थर, कंक्रीट से बनाया था, इसीलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि पोर्टलैंड चूना पत्थर की तरह दिखता है। और सन 1845 में एस ए जॉनसन ने पोर्टलैंड सीमेंट को आधुनिक उपयोग के लिए बनाया। जॉनसन ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए उसी सामग्री का इस्तेमाल किया था जो अब हम उपयोग करते हैं। आज तो अलग अलग क्वालिटी के सीमेंट बनाए जाते हैं और बहुत सी कंपनी अलग अलग नाम से सीमेंट का उत्पादन करती हैं। सबसे पहले सीमेंट को बनाने के लिए उपयोग होने वाला कच्चा माल कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा और एल्युमिनियम खदानों से निकालकर फैक्ट्रियों तक लाया जाता है। जब कच्चा माल फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है तो वह शुद्ध नहीं होता। चूना पत्थर के अंदर कैल्शियम होता है और सिलिकॉन लोहा और एल्युमिनियम रेत के अंदर होता है। फिर इनको साफ करके और अच्छी तरह पीसा जाता है और एक पाउडर तैयार किया जाता है। आमतौर पर चूना पत्थर 80% है और शेष 20% मिट्टी होती है। फिर इस कच्चे माल को मशीनों द्वारा पीसकर एक पाउडर तैयार किया जाता है और इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर कैल्शियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और तब सीमेंट बनता है। और फिर सीमेंट को बाहर निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर दोबारा उसको मशीन के अंदर एक बार फिर गर्म किया जाता है और फिर उसको बाहर निकालकर ठंडा करके पैक किया जाता है। यह लगभग 20-40 किलो का बैग पैक किया जाता है और इस तरह ये आपके पास पहुँचाया जाता है। सीमेंट कोई एक प्रकार का नहीं होता है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और क्वालिटी, उपयोग और क्षमता के हिसाब से बहुत सी प्रकार की होती हैं। सभी जगह एक प्रकार का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कई जगह तो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्षमता वाली सीमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे पुलों के निर्माण और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण में अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की जरूरत होती है। लेकिन कई छोटी जगह पर कम क्षमता वाली सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनकी ग्रेड थोड़ी सी कम होती है, इसलिए उनके इस्तेमाल के आधार पर ही सीमेंट अलग अलग क्वालिटी की बनाई जाती है, जैसे ACC, JK शक्ति लक्ष्मी, बिरला, मंगलम, श्री, प्रिज्म, दिग्विजय, अंबुजा, CCI, विक्रम, JP रेवा, बिनानी, श्री उत्तरा, LT सीमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि सीमेंट का आविष्कार कब और कैसे हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।